ज्योग्राफी टीचर ने पूछा नैनीताल में ही कि बताओ बारिश कैसे होती है। उसने बोला कि तल्लीताल से भाप उठती है और मल्लीताल होके वो चाइना पीक में जाती है और उससे टकरा करके वापस फिर जो है वो पूरे नैनीताल में बारिश कर देती है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक यही तरीका। Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official. कल रात भी काफ़ी ओले पड़े हैं, यहाँ पे बारिश हुई है नैनीताल में एंड मैं और मैकी जा रहे हैं बोट राइड के लिए सुबह सुबह और अभी सुबह के बजे हैं 7:30। तो यहाँ पे बारिश तो कभी भी हो जाती है, फिलहाल धूप निकली हुई है, धूप छांव का खेल चल रहा है एंड झील इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। नहीं थैंक यू। यहाँ पे हम लोग बोटिंग करने वाले हैं, यहाँ की बोट ना बहुत हल्की होती है तो उसकी थोड़ी सी फटती भी है क्योंकि बैठने उतरने में इतना आसानी जितना दिखाई देता है। सुबह के 8 बजे हैं लेकिन आसपास की धूप को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि ये इतनी सुबह है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ये सुबह कुछ जल्दी हो गई है। लाइफ जैकेट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्पेशली तब जब आपको स्विमिंग नहीं आती हो, लेकिन ये होती बहुत अनकंफर्टेबल है। इसका कुछ बेटर सोल्यूशन आना चाहिए जो अब तक मैंने कहीं देखा नहीं है और वो सामने आपको दिखाई दे रहा है नैना देवी मंदिर। तो जनरली लोग वहाँ तक जाते हैं और वहाँ से रिटर्न आते हैं बोट के ज़रिए। बोट की कंप्लीट राइड वहीं तक मानी जाती है लेकिन आधा भी लोग करते हैं, जो कि हम अब फिलहाल कर रहे हैं। हम लोग नैना देवी मंदिर तक नहीं जाएंगे, सिर्फ एक छोटा सा राउंड जिसको हाफ राउंड कहते हैं वो फिनिश करके बोट राइड को ख़त्म करते हैं। बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड था, हम लोग इतनी सुबह सब लोग सो रहे थे तो सोचा कि चलो हम दोनों ही बोट राइड करके आ जाते हैं। A few moments later. चार बजे का प्रोग्राम मिस नहीं करता। 6 बजे फिर मैं फिर सो जाता हूँ, बैठ गया जाके। अब जब बैठा गया तो भी सो, मैं रेस्ट तो करना ही था। सो वापस आने के बाद होटल में मेरी नज़र पड़ी ग्राउंड फ्लोर के कुछ रूम्स पे जो कि क्लीनिंग के लिए रेडी थे और ये रूम भी अच्छे हैं। एक्चुअली हम लोग पहले इन रूम्स को ट्राई कर रहे थे बट हमें लगा कि शायद हमारे लिए छोटे हैं, बट अच्छे बड़े रूम्स हैं। इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों टॉयलेट इसमें है, ग्राउंड फ्लोर पे बेड है और बाहर सीटिंग एरिया है। सबसे अच्छी बात माल रोड के बिल्कुल ऊपर, आपको न सीढ़ियाँ चढ़ने की टेंशन। लेकिन आई थिंक यहाँ का जो बेस्ट होटल है इसे दो होटल छोड़ के हल्का है, विच आई पर्सनली लाइक। सामने की झील और नैनीताल में फिर से ओले पड़ने शुरू हो गए हैं। सो टेम्परेचर और भी घट गया है और सुबह से ओले पड़ रहे थे, अब जाके बारिश हो रही है, अभी तो बादल भी गरज रहे हैं, मज़ा आ रहा है। इंडियंस वर ओनली अलाउड टू वॉक ऑन दैट। सो मैं नीचे से चढ़ चढ़ के ऊपर तक आ गया हूँ, मैगी ने तो हार मार ली और नीचे ही बैठ गई है। सो नीचे से मैं चढ़ के यहाँ तक आ गया हूँ, यहाँ ऊपर पापा कहीं वेट कर रहे हैं, उनको कुछ बचपन की यादें दिखानी है अपनी, क्या दिखानी है पता नहीं। पोस्ट ऑफिस तो ये रहा। तो ये जो पूरा मोहल्ला दिख रहा है, यहाँ पे कभी किसी ज़माने में कोई घर नहीं हुआ करते थे जब पापा बचपन में यहाँ रहा करते थे। तो वो कृष्णा को लेकर गए हुए हैं अपनी उन बचपन की यादों को दिखाने के लिए। मैं और मैगी निकले थे वॉक करने के लिए, सोचा पापा को ज्वाइन करते हैं लेकिन मैगी चल चल के थक गई, तो उसने बोला भाई तू जा वापस आना, मैं एक पॉइंट पर तेरा वेट करती हूँ और इसलिए मैं जा रहा हूँ पापा और कृष्णा को मिलने। तो कभी ये पुराना जो इलाका है ये प्लेन हुआ करता था जहाँ पे पापा खेला करते थे, लेकिन अब वक्त की ज़रूरत और बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे सब घर बन गए हैं। और ऊपर देखो लंगूरों को। ये YWC है, इतना तो तय है कि अगर केवल इस रोड पर जहाँ नीचे से मैं ऊपर जा रहा हूँ वहाँ तक
दो महीना आप चल के आ जाओ, मुझे लगता है आपके लंग्स में इतनी ताकत तो आ जाएगी कि कोरोना जैसी कोई चीज टिकने वाली नहीं है। मैं चलते ही जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ, पर ये रोड खत्म ही नहीं हो रही। और बहुत देर चलने के बाद मुझे फाइनली पापा और कृष्णा के दर्शन हो ही गए। बचपन से बिछड़े हुए नैनीताल से अब यहाँ आकर मिले। ये था सीधा, तो बीच में आवागढ़ राजा की कोठी थी, तो वो उसके दोनों तरफ एक तरफ रोड ये, एक तरफ ये रोड ये। तो अब ये रोड कहाँ जाएगी? सीधे घंटाघर पर, जहाँ घंटाघर है तो वहाँ पर पहुँचेगी। सो पापा और कृष्णा को मैंने उनकी जर्नी पे जाने दिया और मैं चल पड़ा हूँ वापस मैगी की तरफ। वेर एवर शी सेटिंग, पक्का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खा रही होगी। पहाड़ों में आती है आपकी चाल बदल जाती है, बॉडी को बैलेंस करने के लिए थोड़ा थोड़ा हॉप करके चलना पड़ता है। यहाँ से भी नैनी झील दिखाई दे रही है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ का कचरा। इंसान जहाँ जाएगा कचरा तो वहाँ ज़रूर फैलाएगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छे से साफ सुथरी जगह पर रहे, चीज़ों को साफ सुथरा रखे, बहुत मुश्किल है। कम से कम मुझे हमारे देश और हमारे देशवासियों से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज क्लीन होते हैं, बहुत क्लीन होते हैं। न रोड पे किसी कुत्ते की पूप दिखाई देगी, न रास्ते पे कचरा दिखाई देगा, जगह जगह डस्टबिन होंगे और डस्टबिन का यूज़ होगा। हमारे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट कितनी भी फैसिलिटीज़ दे दे, जगह जगह पे डस्टबिन भी रख दे, तो वहाँ सिर्फ पान की पीक होगी, कचरा डस्टबिन के बाहर पड़ा मिलेगा। और फाइनली मेरी नजर खाती हुई मेघना पर पड़ी गई। मैगी ने तो पेट पूजा कर ली और मैं बढ़ता हूं मेरी टपरी की चाय की तरफ। एक जमाना हुआ करता था जब किसी भी जगह पर जाओ तो स्नैक्स के नाम पे देसी डिशेस हुआ करती थी, उबले हुए चने हुआ करते थे, पकौड़े हुआ करते थे, लेकिन उसकी जगह अब ले ली है अंडों ने, मैगी ने। बन पाओ तो फिर भी पुरानी चीज़ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बटर और ये मैगी ये थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर देती है। हालांकि जिस तरह के एरियाज़ हैं नैनीताल या पहाड़ी इलाके, जहां आपको चलना इतना पड़ता है कि आपकी जितनी भी कैलोरीज यहां से जनरेट होती हैं वो बर्न हो जाती हैं, लेकिन व्हाट अबाउट प्लेन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल अदर एरियाज़, नॉट यू नो हिल एरियाज़, वहाँ पर ये जो बटर है और ये जो मैगी है बहुत बैंड बजाती है। सो हमारी इस जनरेशन का, इस यूथ को बर्बाद करने का जो क्रेडिट, जो श्रेय जाएगा, वो जाएगा मोमोस को, चाउमीन्स को और डेफिनेटली मैगी को, इंस्टेंट नूडल जो सबसे बुरा है। करण भाई धन्यवाद, राइस पापड़ बचपन की याद है, ईटिंग फ्राइड राइस पापड़। हॉलिडे में आने के बाद भी ये सब नहीं खाया तो क्या खाया? मैगी कभी नहीं खाई थी बचपन में, वो अभी अब खा ले। एंड इसके पहले उसने बटर मार के जो बन खाया, किसके लिए था वो? मेरे लिए था, पर तू आधा खा गया। कभी बचपन में हम भी शाखा का हिस्सा हुआ करते थे, छोटे छोटे कच्छे पहन के जाया करते थे, बचपन याद आ गया। ओए कालू, क्या नाम है इसका? कालू क्या? अच्छा काला है तो कालू बोलते हैं, पर तेरा नामकरण नहीं हो कालू। क्या खाएगा? क्या खाएगा? क्या खाएगा? क्या खाएगा? पहाड़ी कुत्ता है, पहाड़ी कुत्ता।
क्या खाएगा क्या खाएगा कहाँ खाएगा अरे बहुत अच्छा ये है तरीका ओयली टीम खेल दी भैया तो कालू को मैंने हाथ से बन खिलाने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं खाया सो दिस इज़ हाउ ही ईट्स तो ये शॉपकीपर उसको ऐसे उछालती हैं और वो कैच करता है अगर कैच नहीं कर पाया तो वो नीचे से खा लेगा लेकिन अगर आप उसको मुंह में हाथ से देने की कोशिश करोगे या ज़मीन पे रखोगे तो वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाता क्या बात है यार इसका अपना ही स्टाइल है यू कैन बाय दैट कद्दूकस करने वाला ब्लॉगर के एन लोहानी ब्लॉगिंग करते हुए पानी के बीच में से कैमरा ना गिराते बस हाँ बोट राइड का मजा लेने से कहीं ज्यादा मम्मी का ध्यान और पापा का ध्यान इधर किनारे की तरफ कि कृष्णा कहाँ खड़ा है भाभी कहाँ खड़ी है हम लोग आए नहीं आए अरे बोट का मजा लो कहाँ किनारे पे देख रहे हो दोनों एक और बोट की सवारी इस बार चार लोग हम जा रहे हैं और ये हमारी स्वान सो हमारे इस स्वान यान में चार यात्री सवार हो सकते हैं वो चार यात्री हैं मैं कृष्णा मायरा और मैगी भाभी किनारे पर से हमको देखेंगी मैं गई पूरी बोट हिल गई तो एक ही साथ पैडल चलो हां तो राउंड लेंगे ना तो उल्टा घुमा उल्टा घुमा अरे उल्टा जा नहीं अभी खेलो अभी मत चलो शिफ्ट करो पहले मैं रेडी हो जाऊं मैं तो उल्टा राउंड इसमें फिशेस बहुत हैं क्रोकोडाइल नहीं है इतने ठंडे पानी में मर जाएगा बेचारा चल मैं भी आराम से पैडल वी आर गोइंग ऑफ टू स्लीप जब हम थक जाएंगे पैर थक जाएंगे तो बता देना कहाँ जा रहा है भाई लेफ्ट जा सर कम आउट भाई क्या हुआ आई वांट यू आउट कम ऑन मैंने जैकेट तो पहन ली है लाइफ जैकेट पर ऐसे घुसन मार रही है मेरे गालों पे अरे कहाँ जा रही है लेफ्ट इधर की जा रही है हमको सीधा जाना चाहिए ना चलाना क्यों है चल एक काम तू मार तू रुक तू रुक तू रुक तू हां नहीं नहीं तू मार यहां पे मैगी और कृष्णा और मायरा का अलग ही गेम चल रहा है ये लोग एक दूसरे की जगह बदल रहे हैं स्विच कर रहे हैं और पूरी रिस्पांसिबिलिटी इस यान को चलाने की हमने मायरा और कृष्णा को दे दी है लेट्स सी कितना दम है लग गया यार कृष्णा कितनी अच्छी तरह से गया अरे अबे ये किधर कैसे हो गया इस बोट में बैठने से पहले सोच लो दूसरों पे बिल्कुल डिपेंड मत रहो ये जगह बदलू है और कुछ नहीं है सिर्फ जगह बदल रहे हैं बोट वहीं की वहीं खड़ी है मैं थक रहा हूं पूरे प्रोसेस में इधर बच्चा बैठ सकता है बच्चा ठीक है पहले बोट चला मेरी माँ मायरा मेरे सर पे लग गया आपके बस गैस हो गई मेरे को आगे मायरा फाइनली मैंने भी जगह बदली है हुआ कुछ नहीं है ऐसे में राउंड घूमेगा इधर बोल दो पीछे देखो पीछे तो देखो एक मिनट एक मिनट रुक जा रुक जा पैडल मत मार पैडल मत मार ये भाई ये ठोक देगा तो जिन लोगों ने भी आज तक बोटिंग नहीं की है पैडल वाली इसमें दो बोरिंग से पैडल होते हैं जिन जो आपको थका देते हैं कभी मत और एक पैडल होता है जिसको आप लेफ्ट या राइट लेते हैं सिवाय बोरियत के कुछ नहीं है इसमें तुम सिर्फ थक रहे होते हो जिन लोगों को सबसे ज्यादा मजा आ रहा होता है वो ये है
जो डायरेक्शन डर रहा है राहुल को, जो डायरेक्शन दे रहे होते हैं जिनको पैडल चलाने नहीं है, चलेंगे भी नहीं उनसे। या तो बैठे रहो शांति से कुछ देर के बस, नहीं एक घंटे के बाद उसके पैसे डबल हो जाएंगे, वही है। एक घंटा अभी तक हुआ ही नहीं। हाँ वही पता तो नहीं मुझे कितना, मतलब मेरे पिताजी नैनीताल में आए हैं ऐसा लग रहा है अपने बचपन में पहुंच गए हैं, और वही एनर्जी है। इतना बड़ा ये ताल, इतना बड़ा ये नैनी झील है, वो वहाँ से वहाँ पे हमारा होटल है इंडिया होटल, वो उधर वहाँ से वो उस झील के पीछे से घूमते 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 पूरा घूमते 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 ये पूरा इन्होंने पैदल पैदल पार किया है, घूमते 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 वो पीछे नैना देवी मंदिर है, वहाँ से घूमते घूमते उस तरफ वो टावर दिख रहे हैं, वहाँ ऊपर गए हैं वो जहाँ मैं आपको लेके गया था, जहाँ पे पापा मिले थे, वहाँ से फिर घूमते 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 नीचे आए हैं। हम वहाँ तक गए थे। इतनी एनर्जी हम में किसी किसी भी यंगस्टर्स में नहीं होगी जितनी उनमें है। नंदलाल दोस्त, बचपन के दोस्त, मतलब मिले नहीं, खाने खाने गए हुए थे। अच्छा मैं दोस्तों एक घंटे से मैं इस झील के बीच में हूँ, लोग हिलने का मेरा चश्मा दो जरा, अच्छा तो दिखने दूँ। दोस्तों पिछले एक घंटे से मैं इस झील के बीच में हूँ, ये दो लोग बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये इनको गलत रास्ता दिखा रही है। बेचारा आदमी जाए तो कहाँ जाए भैया, कहीं कोई मुझे बाहर निकल तो चल ना मायरा, तू हाथ हटा पहले अपना, क्यों कर के रहे। पिछले एक घंटे से मैं बोल रहा हूँ कि गोल गोल घुमा रहे हैं, वहां जाना है, हम यही घूम रहे हैं, लेकिन ये सुन ही नहीं रही है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे कहाँ जाना है तुमको कदो। एक तो सन भी नहीं मिल रहा है मुझे, ये रहा सामने, ये हाँ अभी तो इस साइड हम सिर्फ घूम रहे हैं, अभी जा तो नहीं। हवा पवन ठंडी हो गई है, उधर लिया पवन पुत्र हनुमान, ये देखो चल। मुझे ऐसा लग रहा है 50 साल से यहीं बैठा हूँ, 50 साल पहले हमने इसी को क्रॉस किया था, 50 साल बाद भी यही है। जा घुमा घुमा घुमा, जा जल्दी अभी उधर, ये थोड़ा लेफ्ट उधर, लेफ्ट में लो, लेफ्ट लेफ्ट उससे टकरा टकरा। मेरा नाम नैनेश्वर है और मैं इस झील का मालिक हूँ। मैं हाथ फैलाकर ये बताना चाह रहा हूँ कि इस सब पर मेरा कब्जा है, कोई कब्जा करने की कोशिश मत करना कमबख्तो। एक घंटे से गोल गोल घूम रहे हो, मेरे साथ फेरे लोगे क्या, बाहर भागो। चलो भाई आगे लो, घूमो उल्टा घूमो उल्टा घूमो, बस 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 पकड़ लो इसको भाई। क्या टाइम पास कर रहा है। और इसी के साथ ही नौका विहार खत्म हुआ, तो आज की व्लॉग में बस इतना ही। दिस इज राहुल लॉनी साइनिंग ऑफ राइट नाउ, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, बाय, हैव अ नाइस डे। नैनीताल घूम के आ रहे, पूरा नैनीताल नाप के आ रहे, दादी फिर जा रही है घूमने के लिए। बचपन में भी इतना वॉक किया था, बचपन में भी इतना वॉक किया था, देख लो। इन तीनों ने तो मुझे पका दिया उसमें, बोट में पका दिया तीनों ने, बोट में। कब की बोल रही थी मुझे धूप में लेके जाओ, तो वो कृष्णा लेके नहीं जाए, कि मुझे सन चाहिए, जब तक हम आगे पहुंचे सन आगे पहुंच गया। तो तुमने दौड़ लगानी चाहिए थी उसमें, दौड़ लगानी चाहिए।